बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। वैनगंगा नदी के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता हुआ कोरंबी में पाया गया। 45 से 50 साल की उम्र का व्यक्ति, जिसने लाल शर्ट और काली पैंट पहनी थी। शव को बाहर निकालकर जिला सामान्य अस्पताल में भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। स्कूल से घर लौटते समय छात्रा के साथ मारपीट की घटना गराड़ा में घटी। घायल का नाम बासोरा निवासी रजत मनोज हलमारे, उम्र 16 वर्ष है। इस मामले में पुलिस स्टेशन कारधा में मामला दर्ज किया गया। बैंक के सामने खड़ी मोटरसाइकिल चोरी की घटना लाखनी में घटी। रेंगेपार कोहली निवासी उमाकांत सूर्यभान नंदेश्वर की शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन लाखनी में मामला दर्ज किया गया। व्यवसाय के लिए घरेलू सिलेंडर का उपयोग करने वाले व्यवसायियों पर कार्रवाई की गई। मुस्लिम लाइब्रेरी चौक भंडारा स्थित हावेस चाइनीज सेंटर पर देवेंद्र कोहाड़े, मोहम्मद हुसैन घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते पाए गए। भंडारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेला में खड़े ट्रक को पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें चालक घायल हो गया है। घायल का नाम संतोष नगर नागपुर निवासी नरेंद्र केवलराम बमूरे, उम्र 27 वर्ष है। इस मामले में भंडारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। तेज रफ्तार ट्रक ने विपरीत दिशा से जा रहे मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इसमें गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रामनगर थाने के तहत पुना टोली तिलकवाड़ रामनगर निवासी फिरियादी हर्षल अनंत ढबाले, उम्र 43 वर्ष ने अपनी मोटरसाइकिल घर के आगे खड़ी की थी, जिसे अज्ञात व्यक्ति ने चुरा ली। पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।